नमस्कार। तो आखिर आज तक की इतनी बड़ी रिपोर्टर ने किसको कहा पनौती? तो एक्चुअली मैं आपको सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, क्योंकि हमारे 41 मजदूर जो टनल में फंसे हुए थे उत्तराखंड में, वो फाइनली बाहर आ चुके हैं। एंड भाई ये बहुत खुशी का माहौल था, अगर सबने भाई इस पर अपनी खुशी जताई और धीरे धीरे भाई उनका इलाज होएगा एंड जिसके बाद उनको घर वापस पहुंचा दिया जाएगा। तो जिसके बाद भाई कल जब ये रेस्क्यू मिशन चल रहा था एंड आज तक के भाई रिपोर्टिंग देख रहा था, तो आज तक की एक एंकर है भाई अंजना ओम कश्यप, जिन्हें आप सभी जानते हैं, और एक रिपोर्टर है जिनका नाम है भाई मौसमी सिंह। तो मौसमी सिंह जो थी भाई टनल के बाहर अपनी रिपोर्टिंग कर रही थी, अंजना ओम कश्यप आज तक के स्टूडियो में से ही मौसमी सिंह के साथ मौजूद थी एंड दोनों में बातचीत हुई। अंजना ओम कश्यप कहती है, मौसमी देखिए आपके लिए वहां पहुंचना बहुत शुभ साबित हुआ, रेस्क्यू हो गया, फाइनली 5 मजदूर अभी निकल चुके हैं। जिसके बाद भाई मौसमी कहती है, ये देखिए अंजना मैं बहुत शुभ साबित हुई है, कोई पनौती नहीं है। तो यहाँ पर उन्होंने पनौती बोला है, तो आखिर पनौती उन्होंने किसके लिए प्रयोग करना चाहा? अब इस बात के बाद उनको पता था कि हमारी जबरदस्त ट्रोलिंग होने वाली है, जिसके बाद उन्होंने भाई इस बात को मतलब रख करके एकदम से आगे बढ़ गई और आगे की बातें बताने लगी। उनको पता चल गया होगा कि भाई इसके बाद तो ट्रोलिंग होने वाली है। क्या वे पनौती बोलने के जरिए पीएम मोदी को कहना चाह रही है? हालांकि आपको पता ही होगा अभी पनौती कहकर अभी पीएम मोदी को कितना ज्यादा कहा गया था एंड जिसके बाद जब ये मौसमी ने बोला एंड यूजर्स इस आज तक की वीडियो को काफी ज्यादा शेयर कर रहे हैं। तो आखिर मौसमी जी और अंजना जी किसको पनौती कहना चाह रही थी? अब मैं उस प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बता पाई, लेकिन अब अपने सोशल मीडिया पर आकर बता सकती हैं। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से जरूर शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।